Hey students, how are you? Hope you are studying well at your home and fine, fit and fine. Today we will start exercise 3.7. Soon I will call you at the school for copy correction. So complete your copy up to exercise 3.7. The chapter 3 is about to complete. This is last exercise. The question is, the question है, दो मित्र अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है. दो मित्र हैं अनी और बीजू, उनकी आयु में 3 वर्ष का अंतर है. अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की 2 गुनी है. एक रिलेशन दे रखा है और एक दे रखा, और बीजू की आयु अपनी बहन की आयु कैथी की आयु की 2 गुनी है. एक रिलेशन ये दे रखा है. तीसरा कैथी और धर्म की आयु में 30 वर्ष का अंतर है. अनी और बीजू की आयु में इन सारे क्वेश्चन में जो निकालना होता है उसको मान लिया. माना अनी की आयु x वर्ष, अनी की आयु x तथा बीजू की आयु y वर्ष है. ठीक है, तो अब पहला जो स्टेटमेंट है, अनी की अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है. तो पहली क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएगी, एक्स माइनस वाई या वाई माइनस एक्स, अंतर दे रखा है तो एक्स भी बड़ा हो सकता है, वाई भी हो सकता है. यहाँ पे एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3, ये क्वेश्चन आपकी फर्स्ट रेडीमेड बन गई. दूसरा, धर्म की आयु अनी की आयु की 2 गुनी है. अनी एक्स है, अनी की आयु कितनी है एक्स, तो धर्म की आयु कितनी हो गई, धर्म की आयु बराबर हो गया अनी की आयु की 2 गुनी, यानी कि 2x हो गया. इसी तरह से बीजू की आयु अपनी बहन की आयु कैथी की आयु की 2 गुनी है, तो कैथी की आयु निकाल लो. कैथी की आयु, धर्म इससे दूना बड़ा है तो इससे आधी बड़ी होगी, यानी कि धर्म की आयु की तो उसकी सॉरी बीजू की आयु की आधी. ठीक है, ये धर्म की आयु आ गई, कैथी की आयु आ गई. उसके बाद क्वेश्चन आपसे कह रहा है कैथी और धर्म की आयु में 30 वर्ष का अंतर है, यानी कि धर्म की आयु माइनस कैथी की आयु बराबर हो जाएगी बेटा 30 वर्ष. कितना, 30 वर्ष. धर्म की आयु लिख लो यहाँ पे कितनी हो गई, 2x. कैथी की आयु लिख लो y बाई 2 बराबर 30, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4x माइनस y इक्वल टू 60, ये आपकी दूसरा 60. अब देखो इसको किसी भी बीजगणित विधि से हम सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पे y और y बराबर है तो क्या करें, सेकंड से समीकरण सेकंड माइनस समीकरण फर्स्ट करते हैं. तो लिखो 4x माइनस y इक्वल टू 6, x माइनस y इक्वल टू 4. ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, ये आपका कट हो गया. 4x में से x लिया तो कितना बचा, 3x और 57 हो जाएगा, 60 में से 3 माइनस किया तो 57 हो गया. x इक्वल टू कितना आ गया, 57 बाई 3, ये काट दो तो कितना आ गया 19 वर्ष आ गई. किसकी आयु, अनी की आयु, अनी की आयु कितनी आ गई 19 वर्ष आ गई. आप क्या करें बेटा, बीजू की आयु निकालनी है तो किसी भी समीकरण में, यानी बाई की वैल्यू निकालनी है तो किसी भी समीकरण में एक्स का मान रख दो. पहली वाली में ही रख देते हैं, एक्स का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रखो कितना आ जाएगा, एक्स 19 है माइनस वाई स्क्वायर टू 3, माइनस वाई स्क्वायर टू 3 माइनस 19 माइनस 60,
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वाई इक्वल टू 16 बन जाएगा। यानी कि अनी की आयु आ गई आपकी कितनी 19 वर्ष, और बाई इसकी बीजू की आयु आ गई 16 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गरम हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको कह रहे हैं एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे दोगुना धनी हो जाऊंगा, जबकि दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दो तो मैं आपसे चौगुना धनी बन जाऊंगा, बताइए उनकी संपत्तियां क्या है। मान लेंगे यहाँ पे जो निकालना है वो मान लेते हैं, माना उनकी संपत्तियां एक्स तथा वाई है, कितनी है एक्स और वाई। तो अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है बोलो, प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, प्रश्न आपसे बोल रहा है कि आप मुझे 100 रुपए दे दो, यानी कि x को मान लेते हैं, ये x को 100 रुपए दे देता है भाई, x को 100 रुपए दे देता है भाई, तो x के यहां 100 जुड़ जाएंगे और भाई 100 रुपए दे देता है तो भाई के में से 100 रुपए घट जाएंगे, तो इनमें क्या रिलेशन हो जाएगा, मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा, यानी कि x प्लस वाई टू 100 इक्वल टू आ गया आपका 2। अब इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, x प्लस 100 बराबर 2y माइनस 200, इसको ले आओ x माइनस 2y और इक्वल टू कितना आ जाएगा, x माइनस 2y इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 300, माइनस का 300, ये आपकी क्वेश्चन बन गई। आप ऐसे ही सेकंड बनाओ, दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दो, अब इसको 10 देना है, इसलिए 10 देगा x माइनस 10, इसने 10 दे दिए और किस किस इसके 10 जुड़ गए, इसके में 10 जुड़ गए, तो ये इससे 6 गुना धनी बन जाता है, इससे कितना बन जाता है 6 गुना धनी। तो इसको सॉल्व कर लो, ये कितना हो गया 6x माइनस 60 इक्वल टू y प्लस 10, ये हो गया 6x माइनस y, इसको इधर ले जाएंगे तो ये भी प्लस का हो जाएगा इक्वल टू 70, ये आपका सेकंड वाला हो गया। तो अब देखो यहाँ पे कोफिशिएंट कोई भी बराबर नहीं है, ये x माइनस 2y है, ये 6x माइनस y है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और फर्स्ट माइनस करते हैं, ठीक है फर्स्ट को माइनस कर दें, तो क्या करो सेकंड मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस फर्स्ट माइनस फर्स्ट, तो सेकंड वाली क्या है बेटा, इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, तो 12x हो गया माइनस 2y हो गया और इसकी करोगे तो 140 हो गया, कितना हो गया 140। इसमें से फर्स्ट माइनस करो, फर्स्ट लिख लो यहाँ पे x माइनस 2y स्क्वायर टू माइनस 300, माइनस के 300 हो गया। तो अब यहाँ पे ये माइनस, ये प्लस और ये भी प्लस हो गया, ये आपका कट हो गया, ये 11x बचेगा, कितना बचा 11x, और इसको जोड़ो जरा, ये कितना हो जाएगा 045, कितना हो गया 540 हो गया, कितना नहीं 440 सॉरी 440 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 440 अपॉन 11, ये काट लो 11 4 सा 44, तो x की जो संपत्ति है वो कितनी है 40 है, x की कितनी है 40 संपत्ति आ गई। अब x का ये मान किसी भी समीकरण में रखो, फर्स्ट में रख देते हैं x का मान समीकरण फर्स्ट में रख लेता है, रखो जरा फर्स्ट में रखो, कितना आ जाएगा 40 माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300 माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300 माइनस 40, ये कितना हो गया
माइनस का 340, तो और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 340/2, कितना हो गया 170 हो गया, इसकी वैल्यू 170 आ जाएगी, यानी कि x की संपत्ति 40 है और y की जो है 170 है, इसमें कोई यूनिट नहीं दे रखा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर थ्री कर लेते हैं। इसमें दे रखा है एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती तो वह नियत समय से 2 घंटे पहले पहुंच जाती, और यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की कम चाल से चलती वो 3 घंटे देर से पहुंचती, रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी दिखाई। अब इसको निकालने के लिए पहले इसकी हमें क्या होना चाहिए, चाल पता होना चाहिए और कितना नियत समय है वो पता होना चाहिए। तो वो निकाल मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की वास्तविक चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा रेलगाड़ी द्वारा लिया गया वास्तविक समय y है। हमें पता है दूरी बराबर होता है या समय बराबर होता है, चाहे चाल बराबर निकाल लो, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, ठीक है, दूरी बटे समय, या दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणा समय, ये हो जाएगा ना। अब देखो क्या कह रहा है, चाल कितनी है x है और समय कितना है y, कितना है y, तो xy हो गया, और ये जो पहली क्वेश्चन है कह रहा है अगर दो घंटे रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक से चलती तो देखो अब इसकी नई चाल कितनी हो जाएगी x प्लस 10 और नया समय कितना हो जाएगा 2 घंटे पहले पहुंच जाती, यानी कि समय है बाई, तो बाई माइनस दो, बाई माइनस दो, दूरी तो उतनी तय करनी है, देखो दूरी हर केस में उतनी ही तय करनी है, दूरी इसकी चेंज नहीं हो रही है, तो ये भी दूरी हो गई x इंटू बाई और ये भी दूरी हो गई है x प्लस 10 और बाई माइनस 2, इसको सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा एक्स वाई बराबर ये हो गया एक्स वाई माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20। अब ये एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, ये जो क्वेश्चन बनी आपकी 2x माइनस 10y स्क्वायर टू 20, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी ना, ये वाली इक्वेशन बन गई आपकी, माइनस 20 बनेगा ना प्लस 20। अच्छा हाँ देखो ये 2x माइनस से मल्टीप्लाई करी तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा माइनस का। अब दूसरी शर्त क्या है, इसमें दूसरी तरफ कह रहा है यही दूरी तय करी उसने 10 किलोमीटर प्रति घंटा की, यानी कि एक्स वाई बराबर हो गया एक्स माइनस 10, चाल इतनी हो गई और समय कितना लगा, समय उसको 3 घंटा ज्यादा लगा, यानी कि वाई प्लस 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा वाई प्लस 3, इसको भी सॉल्व कर लो, एक्स वाई बराबर इसकी इससे मल्टीप्लाई करी तो एक्स वाई हो गया प्लस का 3x हो गया, इसकी इससे करी तो माइनस का 10y हो गया, इसकी इससे करी तो माइनस का 30 हो गया, इसको सॉल्व कर लो, ये एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, यानी कि ये हो गया सीधे से 3x माइनस 10y इक्वल टू 30, ये आपकी सेकंड वाली क्वेश्चन आ गई, ये आ गई आपकी सेकंड आ गई और वो आ गई आपकी थर्ड। अब देखो बाई और बाई के कोफिशिएंट दोनों क्या है, बराबर है, कैसे है बराबर है, तो कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं, फर्स्ट को मल्टीप्लाई भी नहीं करनी पड़ेगी, तो आप ऐसा कर लो सेकंड माइनस फर्स्ट कर लो, उनका सेकंड माइनस पर सेकंड क्या है 3x माइनस 10y इज इक्वल टू 30 और ये आपका है 2x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 20, ये माइनस करेंगे ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया।
अब देखो ये आपका कट गया 10y और ये x रह गया और 3 × 20 ये 50 हो गया। तो x क्या है बोलो, x क्या माना था आपने, x माना है चाल। तो चाल कितनी आ गई इसकी बोलो, चाल आ गई इसकी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब y भी निकाल लो, y कैसे निकाले बोलो, x का मान किसी समीकरण में रख दो, इसमें ही रख लेते हैं। तो 2 × x ये 100 हो गया, माइनस 10y = -20, माइनस 10y = -20 और ये क्या हो गया माइनस 100। तो ये कितना हो गया y = -120 अपान माइनस 10। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो, y की वैल्यू जो आ गई आपकी 12 आवर आ जाएगी। कितनी 12 आवर, 12 घंटे, ये प्लस हो गया, ये 0 से 0 कट गया, तो y = 12 आवर आ गया। अब चली गई दूरी, फुल दूरी, वो कैसे निकलेगी, कितनी चली, अरे x y के बराबर चली, x की जगह कितना 50 और y की जगह कितना 12, इसकी मल्टीप्लाई कर ली 12 × 5 = 60, तो 60 किलोमीटर दूरी ये चलेगा, रेलगाड़ी चलेगी। चलिए ये वाले क्वेश्चन कर लीजिएगा, बाकी क्वेश्चन आप क्वेश्चन 4 और 5 करने की कोशिश कीजिएगा, 6 क्वेश्चन मैं कल कराता हूँ। ओके, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।